सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने सोनीपत में मिलावटी मिठाई बनाने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान की टीम ने सोनीपत में मिलावटी मिठाई बनाने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की, जिसके बाद मिलावटी सामान बनाने वाले दुकानदारों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। सोनीपत मुख्यमंत्री उड़न दस्ता संबंधित विभागों के साथ सबसे पहले प्रकाश अड्डे पर स्थित सतीश बेकरी पर पहुंची और उसके बाद रामनगर में चल रही एक रसगुल्ला फैक्ट्री पर भी छापेमारी की और दोनों जगह से मिठाई और अन्य सामानों के कुल 6 सैंपल लिए गए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। त्योहारी सीजन से पहले हरियाणा में आसपास के राज्यों में मिलावटी सामान बनाने वाले और मिलावटी सामान बनाकर उनको बेचने वाले मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने ठाना है कि मुनाफे के लिए जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम को काफी लंबे समय से सोनीपत के पुरखास अड्डे पर स्थित सतीश बेकरी और रामनगर में चल रही रसगुल्ला फैक्ट्री के बाबत काफी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने संबंधित विभागों के साथ वहां पर छापेमारी की और खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग ने दोनों जगह से सैंपल भरे और जांच के लिए लैब में भेज दिए। आज डिपार्टमेंट सोनीपत एंड सीएम फ्लाइंग एंड सीआईडी सोनीपत ने गुप्त सूचना के बेस पे दो जगह से सैंपल ले गए, एक तो सतीश बेकर्स एंड दूसरा एक रसगुल्ला फैक्ट्री है। यहाँ से टोटल 6 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3 तो सॉस के हैं, एक आटा बिस्कुट है, एक विनेगर है और एक रसगुल्ला स्वीट्स का सैंपल है। क्या कार्रवाई होती है, कब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी? सैंपल की रिपोर्ट आने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं और जो ही सैंपल की रिपोर्ट आती है, सैंपल की रिपोर्ट के आधार पे सैंपल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, मिस ब्रांड, सब स्टैंडर्ड और अनसेफ। अनसेफ में जहाँ केस सीजीएम में चलता है, सीजीएम की अदालत में चलता है और वहाँ पर सजा एंड फाइन का प्रावधान है, और जो मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड ये केस जो है एडीसी कोर्ट में चलते हैं जहाँ पर जुर्माने का प्रावधान है।